अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को रमजान करीम की पुरखलूस मुबारकबाद। आज पहला रोजा है और दूसरी तरावी होगी इंशाल्लाह। खैर, बात सियासत की करते हैं और हाल ही में मंजूर किए CAA कानून की करते हैं। कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस की हुकूमत है और यह बात कुछ हद तक इत्मीनान बख्श कह सकते हैं। जिस कानून को लेकर कई एहतजाज हुए, CAA का ऐलान कल मोदी की जानिब से किया गया और चुनाव के नजदीक जानबूझकर अक्सरियत हिंदू तबके को खुश करने की कोशिश एक तरह से की गई। अब तो भारत में ट्रेंड बन चुका है कि आप जितना मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाते जाओगे, भक्त मंडली उतनी ही खुश होती रहेगी। ये खुशी ही तो होती है जो वोटों में तब्दील हो जाती है। सर्वे मोदी हुकूमत के हक में फैसला दे रहा है और मरकज में फिर से मोदी हुकूमत आएगी, इतना जरूर है। ऐसा भी कहा जा रहा है, भले 400 पार का नारा लगा रहे हों, लेकिन पिछली मर्तबा के मुकाबले कांग्रेस भी अच्छा मुजारा करेगी। पर बात जितनी आसान नजर आ रही है उतनी आसान नहीं है, और खासकर मुसलमानों को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब कल CAA का ऐलान खासकर रमजान की पहली तारीख को करना, इसे भी समझने की जरूरत है। पर क्या मुस्लिम समाज CAA के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा, जबकि सभी जानते हैं कि CAA गैर संवैधानिक है। भारत में कुछ जगहों पर फलस्तीन में मुसलमानों पर हुए जुल्म सितम के खिलाफ इस बार रमजान में बाजारों को सजाए न जाने का फैसला लिया गया। यकीनन कुछ मुसलमानों का यह फैसला सराहनीय कह सकते हैं, लेकिन भारत में आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है, इस पर कहां तवज्जो दी जा रही है। अक्सर भारत में देखने को मिलता है कि दुनिया में कुछ भी कहीं पर होता है तो उसका रद्दअमल भारत के मुसलमान देते हैं, पर खुद भारत में जहां धर्म के नाम पर नफरत का जहर घोलकर मुस्लिम समाज को निशाने पर लाया जा रहा है, इस पर उलमा दीनी सियासी रहनुमा बिल्कुल खामोश नजर आते हैं, और अगर आवाज कुछ हद तक निकलती भी है तो बहुत धीमी रहती है। लिहाजा ऐसे वक्त में शाहीन बाग को याद करना जरूरी होगा। यहां भी कोई दीनी सियासी रहनुमाओं ने इसका आगाज नहीं किया था, बल्कि नौजवान तबका जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था पहले उन्होंने आवाज उठाई। आज भी मस्जिदों से जो ऐलानात बयानात हिदायत CAA को लेकर करनी चाहिए नहीं दिए जा रहे। यकीनन रमजान में इबादतें नेकियां अजर का मियार अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बढ़ा दिया जाता है, पर मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें चली जा रही है इस पर भी तो बात होनी चाहिए। महज दस्तावेज कागजात वोटर आईडी आधार कार्ड पासपोर्ट तक ही मामला महदूद न समझे। आसाम में कुछ ऐसे भी वाकये पेश आए हैं जिनके मुकम्मल दस्तावेज होने के बावजूद भी डिटेंशन कैंप में रखना पड़ा। अगर आपको तकलीफ देना ही है और यही उनका मकसद, और अगर हुकूमत ने ठान भी लिया है तो आपके तमाम दस्तावेज मुकम्मल होने के बावजूद भी आपको मुजरिम करार दिया जाएगा। लिहाजा जब यह गैर संवैधानिक है तो इसे ही रद्द करने की मांग होनी चाहिए। शाहीन बाग तहरीक ने हुकूमत को हिला दिया था, पर अफसोस भी इस बात का रहा कि यह तहरीक मुकम्मल कामयाब भी नहीं हो सकी। CAA यह पूरे देश के लिए धर्मनिरपेक्ष ढांचे में रद्द बदल करने का खाका है, और यकीनी तौर पर इसकी पहली व सीधी मार देश के मुसलमानों पर ही है। शाहीनबाग CAA NRC NPR के खिलाफ लामबंद होना, मुसलमानों का गुस्से में आना, रास्ता तलाशना, मुस्लिम खवातीनों का इस तरह बड़े पैमाने पर एहतजाज करना एक फितरी अमल था। वतन से मुसलमानों के लगाव मोहब्बत पर सवाल उठाना, क्योंकि मुसलमानों की बेवतनी का खतरा कोई महज तसव्वुर नहीं था। वो सिमत में देश की सियासी इख्तदार अपना कदम बढ़ा चुकी है और अब एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। मुसलमानों पर लगातार हमले अब भारतीय जमहूरियत का न्यू नॉर्मल बन चुका। भगवा ब्रिगेड जो कुछ कर रही है सोची समझी साजिश मंसूबों का हिस्सा है। CAA इसी पस मंजर में लाया गया। कुछ जगहों पर भाजपा मोदी अमित शाह की मुखालफत भी की जा रही है, और इसके बावजूद भी CAA को लाना कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है। सच कहा जाए तो मोदी हुकूमत को शाहीनबाग के जरिए मुंह तोड़ जवाब मुस्लिम खवातीनों की जानिब से दिया गया था। अगर आप याद भी करेंगे तो हैरत होगी कि महज 101 दिनों के अंदर देश के कई रियासतों में शाहीनबाग पहुंच चुका था। याद रहे कि इस तरह संवैधानिक दायरे में रहते हुए फिर से लड़ाई लड़नी होगी। एक बार फिर संघीय IT सेल मुसलमानों को चिढ़ा रहा है। गोदी मीडिया फिर से अपना राग अपना शुरू किया हुआ है। नागरिकता छीनने का नहीं नागरिकता देने का कानून कहकर गुमराह भी करने की कोशिश वजीर आजम की जानिब से की जा रही है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। हंगर इंडेक्स में गरीब मुल्कों में भारत का नाम दर्ज हो चुका है। 80 करोड़ लोग राशन के चावल हासिल करने की बात खुद वजीर आजम कह रहे हैं, जबकि यह शर्म की बात है कि मुल्क गरीबी की किस दहाने पर आकर खड़ा हो चुका है। रुपया गिर चुका है, बेरोजगारी पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ मुकाम हासिल कर चुकी है, महंगाई ने नया रिकॉर्ड बनाया है,
फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ नहीं पा रहा, हर भारतीय के सर पर 25 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है, और मोदी हुकूमत को दूसरे देशों में मजलूम हिंदुओं की फिक्र हो रही है। CAA के बाद UGC का ऐलान किया जाने वाला है। एक्शन सिविल कोड तो महज नाम ही है, पर मुसलमानों के मजहबी मामलात में सीधी मुदाखलत इस कानून के जरिए की जाने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में कई आदिवासी लोग हैं, इनकी कई तहजीब, इनके दस्तूर अलग है। नागालैंड में नागा जमात के, इनकी अलग तहजीब है। ताज्जुब इस बात पर है, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इन्हें UGC से बाहर रखा जा रहा है, और कानून सिर्फ लागू किया जा रहा है तो वो मुसलमानों पर, मतलब सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा जाति के जरिए अपनी सत्ता हासिल करना अब मोदी हुकूमत का खुला एजेंडा है। लिहाजा संवैधानिक दायरे में रहते हुए एहतजाज दर्ज करना हमारा जमहूरी हक है, जिसका इस्तेमाल भी हमें करना होगा। पर क्या मुसलमानों में वाकई कोई जान भी बाकी है? क्या ऐश परस्त और महदूद दायरे में अपनी इबादतों को ही इसने सब कुछ समझ लिया है जो सड़कों पर उतर पाएगा? मदरसों को भी निशाने पर लाते हुए सरकारी मुदाखलत की जाने वाली है। वक्फ बोर्ड तक अब मोदी हुकूमत अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। उर्दू स्कूलों में सरस्वती पूजा, सूर्य नमस्कार, योगा करने पर मजबूर करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। और इन तमाम के दरमियान मुस्लिम समाज कहाँ है, इनके लीडर कहाँ है? कर्नाटक में फिलहाल तो कांग्रेस हुकूमत है, पर कौन कब भाजपा का दामन थाम कर हुकूमत ही को पलट दे कह नहीं सकते। लिहाजा इतना जरूर है कि CAA भले सिर्फ दस्तावेजों तक महदूद हो, पर इसके असरात गहरे होंगे। पर क्या इन तमाम हालात के लिए मुसलमान तैयार है, या हालात के साथ समझौता करने के आदि मुसलमान हो चुका है? ये भी मसला उतना ही है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरें। रमजान का महीना जारी है, सहर इफ्तारी में काफी लोग तली हुई चीजें भी खाते हैं। अब रियासत हुकूमत ने गोभी मंचूरी और कॉटन कैंडी पर पाबंदी लगा दी है, सेहत को आर्टिफिशियल कलर की वजह से नुकसान हो रहा है, ऐसा हुकूमत का कहना है। कल सड़क हादसे में खातून की मौत हुई, और यह हादसा CCTV में भी कैद हुआ है। चन्नम्मा सर्कल में सड़क पार करते हुए बस की ठोकर लगी, जिसमें शाहनगर की शालन देसाई की जगह पर ही मौत हुई। ऑनलाइन फ्रॉड का दायरा और भी बढ़ता ही जा रहा है। कई बार आवाम को पुलिस की जानिब से हिदायत दी जाती है, इसके बावजूद भी इस जाल में लोग फंसते ही जाते रहते हैं। लिहाजा अंगूल के सुनार गजानन अन्वेकर को इसी ऑनलाइन ट्रेडिंग में 22,50,000 रुपए का चूना लगाया गया, मामले को साइबर क्राइम में दर्ज किया गया। कल हीरे बागेवाड़ी में हुई लड़की की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने मामले को दर्ज किया है। लड़की के सास, ससुर और दिगर अफरादों पर मामला दर्ज किया गया। लड़की की उम्र कम होने की वजह से निकाह पढ़ने वाले मौलवी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। मामला जहां खुदकुशी का बताया जा रहा था, अब कत्ल की बात कही जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।